सु, हम सुने कि कसम खाए थे कि शादी के बाद सबसे पहले गुपचुप खाना है। गुपचुप खाना ये इनका, हमारा गुपचुप देख के बर्दाश्त नहीं होता है। ये महिला ग्राहक पूरा ट्रे लेके भाग गई थी। ये 100 रुपए में पैकेट बनाती है, ट्रे लेके भाग जाती है। डेली के कस्टमर है, कभी कभी पैसा भी नहीं देती है, छोड़ा के भाग जाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और शादी जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब टोटली सब कुछ शांत हो गया है, सन्नाटा हो गया। दिन भर सोए हुए थे, रात भर जगने की वजह से दिन भर तो नहीं सोए, मतलब सोए तो 2 घंटे तक। दिन भर कुछ व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किए, शाम से स्टार्ट किए, अभी शाम का 4 बज रहा है और अभी होने वाला है गोलगप्पा का पार्टी। तो एक हम मतलब जो लोकल एक यहाँ के गोलगप्पा वाले हैं उनसे बात हो रहा था, तो वो बताएं कि उनका सेल उतना कुछ होता नहीं, एक दिन में 10-15 गोलगप्पा बिकता है। उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग प्लान किए कि पूरा जो आज उनका ठेला है वो खरीद लेना है, पूरा ठेला को खा जाना है। और पूरा ठेला क्या, वो जितना बनाते हैं उसका डबल ट्रिपल क्वान्टिटी आज उनसे बनवा के बुलवाएँ उनको, और चलते हैं वहीं पर। पार्टी जो है वो शुरू होने वाला है, वो लेकर अपना कार्ट आ रहे हैं और अब बाकी का बात वहीं पर चल के करते हैं। इधर देखिए गोलगप्पा का जो ठेला है वो आ चुका है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही गोलगप्पा लाया गया है। और इधर कुछ पकौड़ी वकौड़ी है, इसका पता नहीं क्या यूज़ है। और इधर भुंजा का भी अरेंजमेंट है इसमें, ये हो गया आलू। क्या है ये वाला? भुंजा का। अच्छा, वो भुंजा के लिए है, भुंजा भी बेचते हैं आप साथ में। इधर हो गया आपका इमली वाला पानी, पहले पानी का टेस्टिंग करवाइए, पानी कैसा है। खाली पहले पानी का टेस्टिंग करवाइए उसको। हाँ पहले पानी का टेस्टिंग कर लो, पानी कैसा है। ठीक है टेस्ट, पानी ठीक है, तीखा है, हल्का है, तीखा लगता है, कम है, ठीक है पानी। और क्या डलवाना है इसमें, तीखा ज़्यादा नहीं है, तीखा थोड़ा कम लग रहा है सबको। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? पंच छुछुर। थोड़ा भी पंच छुछुर लग रहा है, थोड़ा उसको ठीक कीजिए। 20 बरस का अनुभव है सर। अच्छा, गुपचुप बनाने का? हाँ हाँ, हम जो गुपचुप बनाते हैं ना, हाँ, वो पटना वाला होटल सब भी नहीं बना पाता है। अच्छा, तो यूनिक स्टाइल का कुछ रहता है क्या? हाँ, इसमें तो अलग टाइप का हम मसाला अपना, सीक्रेट मसाला। हाँ, कस्टमर लोग आ गए, लाइन लगा दिए हैं। जिस तरह चंपारण मीट हाउस में, हाँ, उसका अपना बनाया हुआ गरम मसाला रहता है, हाँ हाँ, उसी तरह जो है हमारा अपना बनाया हुआ एक आइटम रहता है जो हम आपको भी नहीं बताएंगे। सीक्रेट एकदम है, सीक्रेट आइटम है वो। किसी को खाना है तो बर्गेनिया आना होगा। वो उसके लिए ना सर, आप खा के देखिए पहले, तब कहिएगा कि पटना वाला दुकान से बढ़िया है। अच्छा, कि खराब है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे हम लोग अभी। हम जो सामान बेचते हैं ना, पटना में 5 रुपया का एगो गोलगप्पा देता है, हम 1 रुपया का एगो देते हैं। ठीक है, इसलिए सामान दोनों एक के रहता है। आज का हमारा अनुभव नहीं है, आपका अनुभव सुन के कस्टमर लाइन लगाने लगे हैं। कस्टमर का भीड़ लग गया अनुभव से ही। हमारे बाबूजी भी जो थे ना, हाँ, वो भी 1 नंबर गोलगप्पा बनाते। अच्छा, उन्हीं का सीखा हुआ है जो हम अभी तक चला आ रहा है। लाइन लग गया, कस्टमर लोगों को खिलाइए, लाइन लग रहा है कस्टमर का। ये हमारा खानदानी पेशा। इनका नाम क्या आपके? दुकानदार का तेज नारायण भंडार। ठेला का भी कुछ नाम है? अरे वही है, मेरा स्टाफ जो है ना आज नहीं आया, तो आज हम ही को ठेला लगाना पड़ रहा है। आपका और भी ब्रांच है क्या कहीं कहीं? ब्रांच हमारा इंडिया में लगभग 25 जगह चलता है। अच्छा, बंगलोर में एक जगह है, हाँ, सूरत में भी है। अच्छा, बापी गुजरात है, गुजरात में बापी जगह है, हाँ हाँ, वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा स्टॉल है। अच्छा, लगभग जो है वह
कम से कम 5,000 रुपया का सेल डेली होता है। कस्टमर का पूरा भीड़ लगा हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देख लीजिए। नहीं, कस्टमर एकदम सेटिस्फाइड है यहाँ। हम कोनो गलत सामान हम नहीं माने बेचते हैं। यूट्यूब पे वो बता, फेमस है, उसे पूछिए तुम कैसा लगा, तुम खा के बताओ। अच्छा, ये तो कैसा है, हम जो है बोलने के चक्कर में गिनियो नहीं रहे कि कितने लोग खा गया। थोड़ा दूरी दूरी पर मेंटेन रखी है। एक हुआ, एक या एक दे दिए। एक एक कस्टमर 50-50 खा जाते हैं आपका? अरे 50-50 मत पूछिए, 50 को खाते भी हैं, अपना घर के लिए भी। अच्छा, जिस तरह आपका वो आदमी, हम आपका देखे थे चैनल, तो बोला था कि बटेर खाया था, हम अपना जर्सी निकाल के हाफ पैंट में आ गया, हाफ पैंट में आ गया। उसी तरह हमारे हाफे पैंट पहने लोग हमारे यहाँ खाने चला आता है। देखते हैं खा के इनका टोपी उतरता है कि नहीं। आप हमारे कस्टमर है परमानेंट। हाँ हाँ, ये ना इनसे कि यहाँ कैसा लग रहा है। कितने साल से खा रहे हैं आप यहाँ? कम से कम 5 वर्ष से हम खा रहे हैं। 5 साल से बता चुके, अच्छा लगा। ऐसा कहीं खाए नहीं किए हैं, कहीं नहीं खाए हैं। नंदवारा का फेमस जो है सर, 3 को हुआ याद रखिएगा। तारीफ कीजिएगा, इसका मतलब नहीं कि पैसा नहीं देना है। और इधर देखिए कि यूनिक स्टाइल है, इस तरह से कागज का ये बनाया जाता है कटोरी जैसा, और इसी में खिलाया जाता है। आपको जो हुआ ना एकदम माने छुआ छूत वाला कुछ शुद्ध हुआ। इस तरह लालू जादव मटका में चाय बेचवाते थे, इस तरह हम कागज में बेचवाते हैं। अच्छा, समझे ना, हम लोग एनवायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं। आई हम लोग इको फ्रेंडली काम करते हैं। अच्छा, ये हम काहे के लिए दे रहे हैं। और देखिए इधर आते साथ ही भीड़ लग जाता है, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं, कस्टमर लोग आग में पकाते हैं आलू को। आलू को, अच्छा, तब पका के तब इसको हम इसमें मटर डाल के चना डाल के बनाते हैं। अच्छा, और लोग जो है ना कुकर में बॉयल करके बनाता है। ये एकदम देसी स्टाइल का हुआ गुपचुप, देसी कहिए एकदम देसी एकदम। आजकल रूरल एरिया का सामान जो है ना एकदम शुद्ध मिलता है एकदम। अच्छा, याद रखिए क्या सब बेचते हैं ये सब। ये सब क्या है ये सब? देखिए सर, ये हुआ आलू चॉप। अच्छा, इसका नाम है आलू चॉप। रेट क्या है? रेट सर ये रुपये रुपये देते हैं, 1 रुपए का एक। हाँ, 1 रुपया के एक। अच्छा, ये हुआ प्याज का कचरा। अच्छा, प्याज का मन है कचरा भी लोग बोलता है, कचरी भी बोलता है। अच्छा, तो ये कचरी हुआ। अच्छा, देखिए ये भुजा है, ये कितना है? 1 रुपए में 4? नहीं, 1 रुपए का 4। 5 रुपए का 2 है। 5 का 2 है। प्याज महंगा ना होता है। हाँ हाँ हाँ, अरे भीड़ लग गया फिर से। कुछ कस्टमर लोग छुड़ा भी रहे हैं लग रहा है इधर आके, अब ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। गांव को हुआ सर, याद रखिएगा। अब आ गया है स्टाफ, आ गया आपका स्टाफ, आ गया। आइए आइए, इन लोगों को दीजिए बच्चा। आइए, अब स्टाफ बेचेंगे आपके। आइए इधर आइए। कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे आप? आ गए भाई। मालिक को खुद से बना के बेचना पड़ रहा है। जो भी बात करना है इनसे करेंगे, हमारे स्टाफ से कीजिए। फरी जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, ये जो है हम लोग मिक्सर बनाते हैं अपने से, प्योर रिफाइंड डाल के। रिफाइंड, प्योर रिफाइंड, प्योर रिफाइंड में बनाते हैं इसको हम लोग, छानते हैं। देख रहे हैं ना सर, एकदम मकई का स्पेशल हम लोग इसको चीप चीप कर बनाते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो गया? बादाम, आपका बादाम भुजा हुआ है, छाना हुआ। ये आपका मिक्सर हुआ, थोड़ा दूसरे वैरायटी का मिक्सर हुआ। ये चना का भुजा हुआ, ठीक है। सब मिला के हम लोग झाल मुड़ी बनाते हैं। इधर एक स्पेशल चटनी भी आपका है। स्पेशल चटनी है, ये स्पेशल चटनी है एकदम, ये देख लीजिए। इधर हो गया अचार, अचार झालदार बनता है, नींबू का अचार। हाँ, इसमें सरसों तेल है प्योर, धारा वाला हम लोग यूज करते हैं, हम लोग दूसरा यूज नहीं करते। अच्छा अच्छा, ये आलू का कतर माने छोटा छोटा टुकड़ा करके वो भी खोजता है, हाँ, 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 हाँ। हम लोग वो भी देते हैं।
अब सारा वैरायटी मिलेगा यहाँ, टोटल वैरायटी आप समझ लीजिए ना कि पूरा वैरायटी मिलता है। भीड़ देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, देखिए भीड़ देख लीजिए, बच्चा सब तो एकदम टूट पड़ा है, पैसा के खा जाता है। 8 लोग है। अच्छा, गाँव में घर में से निकलने में थोड़ा शर्माता है। हाँ, तो हम लोग जो है ना दरवाजे दरवाजे होम डिलीवरी भी है, होम डिलीवरी है, समझ एकदम जोमेटो के जैसा हम लोग घर पे पहुँचाते हैं। जोमेटो तो खाना पहुँचाता है, पूरा दुकान ही घर पे पहुँचा देते हैं, माने कि घर में जाके लेडीज लोग को एकदम खिला देते, एकदम फ्रेश माल। हाँ, फ्रेश माल। वो लोग को देहात में थोड़ा शर्म आता है ना बाहर निकलने में, हम दरवाजा पर माने बरामदा पर जाके खिला देते हैं। देखिए महिला महिला ग्राहक लोग हमारा है, महिला ग्राहक लोग बड़ा मन से खा रही हैं। देखिए ना ये आलू चॉप खा रही, ये महिला ग्राहक पूरा ट्रे लेके भाग गई थी, ये 100 रुपए में पैकेट बनाती है, ट्रे लेके भाग जाती है। ये जो है ना हमारा डेली के कस्टमर है, डेली के कस्टमर है, और कभी कभी पैसा भी नहीं देती है, छोड़ा के भाग जाती है। सब माथे पे साड़ी रख के घूंघट में लोग निकलता है, वहाँ देखिए वो घूंघट में वो उनको सर मार रहा है तो लेकिन खाते समय लोग बेचारा भी आता है। यहाँ पर गुपचुप खाने ये महिला जो सबसे ज्यादा खा रही है देख रहे हैं, कम से कम 55-56 गुपचुप हमारा जरूर खाती है, 55-56 आलू चप्पन तो आलू चप्पन एकदम टूट पड़ती है। अच्छा, इतना इनको टेस्टी लगता है, इनके यहाँ लगभग हमारा 500-600 रुपया ड्यूज भी है अभी। वो मिलेगा भी नहीं लग रहा है अब, नहीं नहीं थोड़ा लेट से देते हैं लेकिन मिल जाता है, मिल जाता है। अच्छा, हम सुने कि कसम खाए थे कि शादी के बाद सबसे पहले गुपचुप खाना है, गुपचुप खाना ये इनका हमारा गुपचुप देखे ही बर्दाश्त नहीं होता है, इतना मटन चिकन खाए हैं लेकिन तो भी गुपचुप पर एकदम टूट पड़े हैं। कैमरा इधर देखिए, यहाँ कितना नंबर हो चुका है, 27 कितना गोलगप्पा आप खा सकती हैं यहाँ का? 80 गोलगप्पा खा सकती हैं यहाँ पे, डेली का है मेरा, हम डेली चैलेंज लगाते हैं। अच्छा, अभी 80 खा के दिखाइए आपको 500 रुपए का इनाम। 500 पे नहीं होगा भैया, 1100 करिए तो हम खा लेंगे। 1100 80 खा लीजिएगा पक्का? चलिए खाइए, बोलिए हम तैयार हैं 1100 रुपए के चैलेंज के लिए, अगर आप 80 गोलगप्पा खा ली तो 70 खा के 71 से अभी स्टार्ट होगा, फिर से 75 तक खा चुकी है पहले भी, 5 को बढ़ाना है। हाँ, तो वो पैसा के लिए ही खा, तो हम तैयार है पैसा देने के लिए, खा के दिखा दे 80 है। देख सकते हैं कि बिना दांत वाले लोग भी यहाँ के खा सकते हैं, इतना इनका अच्छा क्वालिटी है। भाग गई। इधर आधा ठेला जो है खाली हो चुका है और अभी आधे लोग खाए भी नहीं है। कितना खा चुकी हैं आप? 15 बस 15, हम तो आधा घंटा से देख रहे हैं आप खाए जा रही हैं। और छोटा प्लेट में हो नहीं पा रहा था तो लोग अब बड़ा बड़ा प्लेट लेकर आ चुके हैं, अब घर ले आने के लिए पैकिंग भी चल रहा है, एक एक ठो में हो नहीं रहा था, अब पूरा प्लेट भर के लोग ले जाएंगे। और इनका जो है ये अब 50वां है, हाफ सेंचुरी इसी के साथ पूरा होने वाला है। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको बस 100 रुपया मिलेगा 500 पैकेट पैक बनाने का, और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं भैया, ये आप 1100 बोल के फिर पीछे मत हटिए, हम 80 खा चुके एक और खाएंगे। आप 80 मेरे सामने खाइए, आपको 1500 देंगे हमें 1100 की जगह, मेरे सामने गिन के 80 खाइए, आपको 1500 रुपए इनाम। कल पक्का? हाँ, कल पक्का, ठीक है, डन, ठीक है, 80 1500 रुपए मेरे तरफ से, 80 खा ली तो डन। तो अब ठेला जो है लगभग खाली हो चुका है, लास्ट में थोड़ा हम भी सोचे ट्राई कर लेते हैं कैसा बना है। पूरा ठेला बिक गया आपका आज? हाँ, ऐसे आपका 10-15 बिकता था, पूरा ठेला हम लोग बेचवा दिए। हम्म,
स्वाद बहुत ही बढ़िया। और जैसा कि बताएं आलू जो है वो बॉयल किया हुआ नहीं रहता है, तो एक जो स्मोकी सा फ्लेवर है वो भी आ रहा है आलू में, स्वाद बहुत बढ़िया। और अगर आपको बाहर भी कहीं इनसे बनवा के खाना है इस तरह का देसी स्टाइल का गोलगप्पा, तो नंबर भी इनका डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इनको बुलवा के खा सकते हैं। कहाँ कहाँ सर्विस है आपका? सीतामढ़ी भी जाके खिला दीजिएगा। हाँ, जहाँ कहिएगा, जहाँ कहेंगे वहाँ। ऑर्डर होने के बाद में पटना भी जहाँ कहिएगा वहाँ पहुँच जाएंगे, हर जगह पहुँच जाएंगे। सिर्फ फोन से संपर्क होना चाहिए। अच्छा, तो बस फोन से संपर्क कर लीजिए, नंबर डाल देंगे, कहीं भी चाहिए आपको ये पहुँच जाएंगे। ठेला लेके पहुँचिएगा? हाँ, ठेला इसको पिकअप लोड करते चले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब पिकअप पे लोड करके पटना ही पहुंच जाएंगे और एकदम देसी स्टाइल का गोलगप्पा खिलाएंगे। एक तरह का ये फूड ब्लॉग हो चुका है, खत्म करते हैं वीडियो को। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। हाँ, अब विशेष अगर एथी हो तो मोबाइल से संपर्क कर लीजिएगा। मोबाइल का नंबर लेना है? मोबाइल का नंबर आपका हम डाल देंगे। हाँ, ले लीजिए। हम ले लेंगे आपसे, नंबर लेके डाल देंगे। लिख लीजिए 84 09 71 75। अच्छा, तो फिर आप बोल दीजिए नंबर। हाँ, क्या है बताइए नंबर? 84 09 71 74। तो यही इनका नंबर है, जिन्हें भी खाना है संपर्क करके आप ऑर्डर देके कहीं पर भी हैं ये आ जाएंगे आपके घर के पास। खत्म। तेज नारायण गोलगप्पा वाले, तेज नारायण गोलगप्पा भंडार। तो खत्म करते हैं वीडियो को, कॉमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।